फ्रेंड, जो लोग जॉब करते हैं उनको सैलरी में एचआरए दिया जाता है, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो ये हाउस रेंट अलाउंस होता है हमारा सैलरी में, हम इसको डिडक्शन के रूप में क्लेम करते हैं। लेकिन ये सारा एचआरए हम डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसमें से कुछ एचआरए हमारा एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ टैक्सेबल होता है। तो हम अपने एचआरए को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से एग्जेम्प्टेड एचआरए को निकाला जाता है और किस प्रकार से टैक्सेबल एचआरए को कैलकुलेट किया जाता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु टेक। फ्रेंड्स, एग्जेम्प्टेड एचआरए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले हम एक्चुअल एचआरए देखते हैं कि हमारा एक्चुअल एचआरए कितना है। उसके बाद सेकंड हम ये देखते हैं कि हमने कितना रेंट पे किया हुआ है, उसमें से हम -10% सैलरी लेस करते हैं। हमारी जो बेसिक सैलरी होती है उसका हम 10% लेस करते हैं। थर्ड, यदि हम किसी मेट्रो सिटी के अंदर रह रहे हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तो हम 50% ऑफ बेसिक सैलरी का कैलकुलेट करते हैं। और यदि हम मेट्रो सिटी में नहीं रह रहे हैं तो हम 40% कैलकुलेट करते हैं। फिर उन तीनों का हम देखते हैं, तीनों में से जो भी अमाउंट कम होता है वही हमारा एग्जेम्प्टेड एचआरए होता है। चलिए हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ मिस्टर ए, जिनकी सैलरी है 4 लाख रुपये और उनको डेयरनेस अलाउंस 90,000 रुपये मिल रहा है, एचआरए 60,000 रुपये और बोनस 40,000 रुपये मिल रहा है। टोटल सैलरी उनकी 5,90,000 रुपये हो जाती है। अब जो मिस्टर ए हैं रेंट पेड करते हैं 90,000 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि उनको एचआरए मिल रहा है केवल 60,000 रुपये बट वो रेंट पेड कर रहे हैं 90,000 रुपये। तो हम एग्जेम्प्टेड एचआरए निकालने के लिए सबसे पहले हम सैलरी फॉर एचआरए निकालेंगे कि हम एचआरए के लिए जो सैलरी होती है वो निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेसिक पे प्लस डेयरनेस अलाउंस प्लस 6% ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। अब यहाँ पर हमारी देखिए बेसिक पे 4 लाख रुपये है, इसमें डेयरनेस अलाउंस है 90,000 रुपये और इसमें कमीशन कुछ भी नहीं है। तो 4 लाख प्लस 90,000 सैलरी फॉर एचआरए हमारी 4,90,000 रुपये निकल के आ गई है। अब हम 50% ऑफ सैलरी का निकालेंगे 2,45,000 रुपये। सेकेंड हम निकालेंगे 40% ऑफ सैलरी, 1,96,000 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि हम एग्जेम्प्टेड एचआरए किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक्चुअल एचआरए लिखेंगे। एक्चुअल एचआरए हमारा देखिए कितना है, 60,000 रुपये हमें कंपनी ने दिया है। और यहाँ पर देखिए एक्चुअल रेंट पेड हम कर रहे हैं 90,000 रुपये, तो यहाँ पर हम करेंगे एक्चुअल रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, 90,000 -49,000। देखिए सैलरी फॉर एचआरए 4,90,000 थी, इसका 10% कैलकुलेट किया हमने तो 49,000 आ गया। 90,000 -49,000 41,000। अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मिस्टर ए मेट्रो सिटी के अंदर रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी 4,90,000 का 50% करते हैं तो 2,45,000 रुपये आ जाता है। यदि मिस्टर ए मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो हम यहाँ पे 40% सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए इन तीनों में 41,000 सबसे कम है, तो 41,000 हमारा एग्जेम्प्टेड एचआरए माना जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस पर किस प्रकार से एग्जेम्प्टेड एचआरए निकाला जाता है। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, आप एग्जेम्प्टेड एचआरए के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, वंदे मातरम।